लंदन के ऐतिहासिक विंस्टमिंस्टर सेंटर हॉल में भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम, कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की शिरकत, 1500 से ज्यादा लोगों ने किया संबोधित। एससी एसटी होस्टल्स में रहने वाले छात्रों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, देश में सरकारी और निजी होस्टल्स में रहकर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हर महीने मिलेगा 15 किलो अनाज, बीपीएल की दर पर दिया जाएगा अनाज। मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी के निधन पर सीएम ने जताया शोक, अलवर के जाट बहरोड़ गांव पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। मोमेंटम झारखंड के तहत देवघर में चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का 27 अप्रैल को आयोजन, कार्यक्रम में लगभग 2000 करोड़ के निवेश की संभावना। यूपी में योगी सरकार के विधायक बेलगाम, एक और बीजेपी विधायक पर मारपीट करने वाले दबंगों को संरक्षण देने का आरोप, पुलिस अधीक्षक की गुहार लगाने पहुंची पीड़िता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और अब खबरें विस्तार से। आम चुनाव से पहले देश में योजना की सौगात की शुरुआत हो गई है, उसी कड़ी में एससी एसटी होस्टल्स में रहने वाले छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि कई देश में ऐसे सभी सरकारी और निजी होस्टल्स में रहकर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्रति महीने के हिसाब से 15 किलो अनाज बीपीएल की दर पर दिया जाएगा। इसको लेकर उनके विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख दिया है। रामविलास पासवान की माने तो इससे 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को लाभ मिलेगा। चीफ मिनिस्टर से उस दिन पूछा था, अपने डिपार्टमेंट से पूछा था, तो अभी के जो एस्टीमेट रफ एस्टीमेट के मुकाबले जो है वो 1,36,000 टन जो है वो सालाना क्या कहते हैं की है, वो 1,36,000 टन ये सालाना है, लेकिन बढ़ भी सकता है दोनों मिला करके। बिहार विधान परिषद में भले ही जदयू दूसरे स्थान पर है, लेकिन परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन गया जनता दल यूनाइटेड, नंबर के हिसाब से मजबूत हुआ पक्ष है, तो क्या अब विपक्ष के शोर पर हावी होगा पक्ष का ये तीर? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित विधान परिषद के 11 निर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र मिल गया। संख्या के दायरे में ही उम्मीदवारों के नामांकन के कारण चुनाव की नौबत नहीं आई और सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। 7 मई 2018 से अब नए सदस्यों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर अब 75 सदस्यीय इस उच्च सदन में विभिन्न पार्टियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जदयू के सबसे अधिक 31 सदस्य सदन में होंगे। वहीं अगर कार्यकारी सभापति को शामिल किया जाए तो इनकी संख्या यहाँ 32 होगी। 22 सदस्यों वाली बीजेपी दूसरे नंबर पर है, वहीं बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल राजद का नंबर यहां तीसरे स्थान पर है। इनकी संख्या परिषद में जहां अब 9 है, वहीं कांग्रेस की संख्या 3। तो परिषद में मजबूत जदयू क्या अब विपक्ष पर और भी हावी होगा? जनता दल यू की सदस्य संख्या में हम लगातार बढ़त कायम किए हुए हैं, तो पार्टी का संख्या बल बढ़ना या पार्टी के जनाधार के रूप में, चूंकि विधान परिषद में केवल विधानसभा से ही नहीं बल्कि स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों, पंचायती राज हो, महामहिम के कोटे के बाद लोग ऑप्ट करते हैं कि हम किस दल के सदस्य बने, तो स्वाभाविक रूप से हमारी संख्या जब बढ़ी है तो हमारी मजबूत स्थिति होगी। मजबूत स्थिति होगी तो हम तार्किक रूप से और सक्षम रूप से इन सवालों का जवाब विरोधियों को देंगे। वैसे आंकड़ों में जदयू उच्च सदन में अपने एनडीए गठबंधन में सबसे ऊपर होगा। अगर अन्य पर नजर डालें तो लोजपा और भाकपा के 2-2 सदस्य हैं, वहीं रालोसपा के 1 और निर्दलीय की संख्या 3 की है। साथ ही पहली बार राजद के मदद से
हम पार्टी का एक सदस्य भी इस उच्च सदन के चौकट पर पहुंचा है। वैसे संख्या बल में कमजोर विपक्ष जदयू के मजबूत तीर का सामना करने को तैयार दिख रहा है। वहीं जनहित के मुद्दों पर धारदार विपक्ष की भूमिका निर्वाह का वादा भी दोहरा रहा है। बिल्कुल नहीं, यहाँ जेडीयू की सरकार नहीं है, सरकार है एनडीए की और उससे पहले थी महागठबंधन की। नीतीश कुमार तब भी अलायंस में सरकार में थे और आज भी अलायंस में हैं। नीतीश कुमार हमेशा भूल जाते हैं कि उनकी औकात क्या है, चूँकि राज्य के कुछ बेशर्म लीडरों में से एक नीतीश कुमार जी हैं। सरकार चलाने के लिए उनको सहयोग की आवश्यकता होती है, तो विधानसभा में है, भाजपा के साथ सरकार बनाए हुए हैं, तो बड़ी पार्टी हो के कौन सी बड़ी बात कर लियो। भाजपा के साथ तो पहले से ही बड़ी पार्टी के रूप में थे वो विधान परिषद में भी। और सवाल रह गया सदन में आवाज़ उठाने का, तो विपक्ष में चार हो, तीन हो या 15 हो, एक आदमी भी सत्य के लिए लड़ने के लिए काफ़ी होता है 100 बेईमानों के बीच में। इसलिए विपक्ष न बिहार में कमजोर है, न रहेगा, न हुआ है। विपक्ष में आज बिहार की जनता है और पक्ष में नीतीश कुमार है। जब चुनाव होगा तो इसका परिणाम नीतीश कुमार जी को स्पष्ट सामने दिखाई देगा। वैसे बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार जहां तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं, वहीं 6 नए चेहरे पहली बार परिषद में कदम रखेंगे। अमित कुमार, न्यूज इंडिया। मोमेंटम झारखंड के तहत चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देवघर में 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। देवघर के कुमेठा स्थित नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। उद्योग विभाग के उपनिदेशक ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में लगभग 2000 करोड़ के निवेश की संभावना है। लगभग 300 निवेशक सहित 150 कंपनियां इसमें शिरकत कर रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे। सत्रह में हम लोगों ने मोमेंटम झारखंड किया था, उसी के परिपेक्ष में हम लोग ये ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। इससे पहले 3 ग्राउंड ब्रेकिंग हम लोगों ने कर चुके हैं। पहला हुआ था रांची, दूसरा जमशेदपुर और तीसरा बोकारो में। अभी हम लोग यहाँ 150 कंपनियों का ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ करने का है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। उसमें सभी कैबिनेट के हम लोगों को आशा है कि सभी लोग आएंगे। और इसमें 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 10000 से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट का समय। 29 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में रैली और प्रदर्शन की तैयारियां प्रदेश में भी तेज हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, ये जो है ये ट्रेड यूनियन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का एक विभाग है। तो इसका जो मेंबर बनता है वो मजदूर कांग्रेस पार्टी का भी मेंबर बनता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का क्लियर सिग्नल है कि असंगठित मजदूर जो सबसे दबा कुचला वर्ग है, जो सबसे शोषित वर्ग है, असंगठित मजदूर को हमें राजनीतिक आवाज़ देनी है। असंगठित मजदूर के प्रतिनिधियों को हमें विधानसभा, राज्यसभा, भारत का संसद उसमें भेजना है, ताकि उनकी आवाज़ बुलंद हो, वो अपने लिए कानून, योजनाएं, इस ढंग की नीतियां ले आए, ताकि उनका जीवन उनका। प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर राजस्थान के बीजेपी में जद्दोजहद जारी है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आगे आने के बाद से कुछ नेता ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। मुद्दे पर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की और मुलाकात करते हुए संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि भाटी ने इस पद पर जातीय समीकरण बिठाने की बजाय अच्छी छवि वाले और ईमानदार नेता को जिम्मेदारी देने का पक्ष रखा। सूत्रों की माने तो पार्टी का एक धड़ा शेखावत को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में पार्टी में अब कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी में डैमेज कंट्रोल करना राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए आसान नहीं होगा।
उन्होंने पूछा कि कॉलेज से इस दफा चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा नहीं, मैं विधानसभा का चुनाव कॉलेज से नहीं लड़ूंगा। ठीक है, एमपी का चुनाव? नहीं 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 नहीं, ये आप क्या सब मत लगाओ कि आप अब जिंदा रहेंगे क्या, ये कोई बात बात अभी वर्तमान की करो ना। नहीं तो ऐसा क्यों, क्या डिसीजन? देखिए, ऊपर वाला ये कहता है कि तू 35 साल रह लिया विधायक, अब तो तेरे टेलीफोन से ही नाली सड़क स्कूल अस्पताल ये सारे काम हो जाते हैं, अब पूरे जगत का कल्याण हो ऐसा काम कर। तो इसलिए मैंने एक पॉकेट बुक एक लिखी है, जो रट के हम पास होते थे, जिसने किताब लिख दी एक घंटे से, एक 30 दिन में बीमारियों का देसी इलाज। मैंने रसायन शाला चालू कर दी, जो दुनिया में दवाइयाँ नहीं बनती है वो दवाइयाँ बनाता और तुरंत लोगों को फ़ायदा हो जाता है। और इसी प्रकार से अनाज का उत्पादन, जैसे हमारे बाजरा है यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया में रिकॉर्ड है कि 16 क्विंटल से ज़्यादा बाजरा नहीं होता, वो हमने 35 क्विंटल बीघे का अनाज ले लिया, जिससे किसानों में बहबूदी आए और ये देश संपन्न हो। निजी स्कूलों में फीस वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर जयपुर शहर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में सिविल लाइंस के राजभवन पहुंचा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में पूर्व शिक्षा मंत्री ब्रज किशोर शर्मा, पूर्व मेयर और पीसीसी महासचिव ज्योति खंडेलवाल, पीसीसी महासचिव महेश शर्मा, जिला कांग्रेस महासचिव मनोज मुदगल सहित शहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खाचरियावास ने कहा, शिक्षा विभाग 2016 के वक्त बनाया गया एक्ट लागू नहीं करवा रही है और शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी बिना एक्ट पढ़े बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, राज्यपाल को अवगत करवाया गया है कि 3 साल तक कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, इस नियम के बावजूद फीस बढ़ाई गई है। देखिए, जो 2000 हमने ये एक्ट लाए थे, 2013 में एक्ट लाए थे, उसके बाद इन्होंने वाहवाही लेने के लिए 2016 में एक्ट पर संशोधन किया। और उस संशोधन के बाद जब एक बार एक्ट पास हो जाता है विधानसभा में, गवर्नर उसको जब अप्रूव कर देता है, तो उसमें फिर जिम्मेदारी मंत्री की बन जाती है कि वो उस एक्ट को लागू करे। अब उस एक्ट में मैंने गवर्नर साहब को भी यही कहा है कि जब एक बार एक्ट बन चुका है, तो कल आप गवर्नमेंट को तो सिर्फ इतना सा काम करना है कि कलेक्टर को चिट्ठी लिखे कि वो एक्ट के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करे। जब सरकार तानाशाही पर उतर जाए और सरकार झूठी बयानबाजी करने लगे और जब राज्य सरकार लोगों के साथ धोखा करे, तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। संविधान प्रमुख होने के नाते राज्यपाल की जिम्मेदारी बनती है स्टेट गवर्नमेंट को सही रास्ते पर चलाना। हमने राज्यपाल महोदय से कहा कि आप संविधान प्रमुख हैं, इस देश के संविधान की, राज्य के संविधान की रक्षा करना आपकी मॉरल ड्यूटी है। 2016 का एक्ट यही सरकार पास करती है, कानून बनाती है फीस नियंत्रण का, और झूठे बयान अखबारों में देती है कि हमने ये कानून लागू कर दिया। कानून पास होने के बाद, कानून लागू है इस वक्त, तो भी सब प्राइवेट स्कूलों ने पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दी। राजस्थान के किसानों को अब राहत मिलेगी। प्रदेश के 28 लाख से ज्यादा किसानों को 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजट घोषणा की पालना में प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले 28 लाख से अधिक किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण की माफी योजना लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों द्वारा कैंप आयोजित कर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। क्लिक ने बताया कि किसानों की ऋण माफी की विवरण की सत्यता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट या उसके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक परिवेदन कमेटी का गठन किया गया है। ब्यावर में जहां देखो गंदगी का आलम है, शहर का रोडवेज स्टैंड अपनी सूरत पर आंसू बहा रहा है। सड़कों की स्थिति बिगड़ी हुई है और बेहद दयनीय है। शहर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शहर को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, मगर स्थिति यह है कि शहर की आबादी लगभग 3.5 लाख हो गई है। उसको मद्देनजर रखते हुए स्थानीय सरकार यानी नगर परिषद ने स्वच्छता अभियान के तहत शहर की सफाई को ठेके पर देने का निर्णय लिया है। सफाई व्यवस्था ठेके पर चली गई, मगर सफाई ढाक के 3 पात नजर आई।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिलों के दौरों पर क्या निकली? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को रातों रात समझ में आ गया कि जहां काम ही नहीं वहां दो दो फुट फुट सेफ्टी अफसरों की तैनाती से क्या फायदा। लिहाजा आनंद फानंद में 5 जोन में तैनात 9 फुट सेफ्टी ऑफिसरों को एपीओ कर मुख्यालय में उपस्थित के लिए कहा गया है। जोन से फूड सेफ्टी ऑफिसरों को हटाने को लेकर विभाग अब तर्क दे रहा है कि जोन में ज्यादा काम नहीं होता। अब फूड सेफ्टी अधिकारियों के जिन जिलों में पद रिक्त चल रहे हैं वहां इनकी पोस्टिंग की जाएगी। वो एपीओ करने का मामला सामने आया कि नहीं? एपीओ नहीं, वो प्रशासनिक कारण है हमारे। अभी जो फूड इंस्पेक्टर राजस्थान में जो है, आजकल हम कहते हैं FSSO, है ना, तो उनकी कई जिलों में वैकेंसीज भी हैं, कुछ डेपुटीज भी लगे हुए हैं, तो एक तरह से रैशनल करने के लिए अभी कदम उठा रहे हैं। भविष्य में उनको लगाया जाए? हाँ, अभी एक रैशनलाइजेशन करेंगे कि सभी जगह FSSO की सेवाएं मिले जिलों में। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा लगातार तनाव की स्थिति में काम करने को लेकर जिस तरह से तनाव बना रहता है, उस तनाव के निवारण एवं तनाव रहित कार्य करने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राकेश गढ़वाल की अध्यक्षता में गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रताप ऑडिटोरियम में मेडिसिन फ्री लाइफ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टू इम्प्रूव वर्किंग एफिशिएंसी एंड मेंटल हेल्थ विषय पर एक सेमिनार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। मेडिसिन फॉर लाइफ और लाइफ स्टाइल पर इनका अच्छा फोकस है। नागपुर से हैं डॉक्टर आतिश अशोक कप्पा से, जो आज के टेंशन के दौर में वर्कलोड ज़्यादा है, ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, वर्कलोड के कारण जो है चिंतन और तनाव में रहते हैं, कैसे तनाव मुक्त रह करके और अच्छा काम कर सकें, अच्छा रिजल्ट दे सकें, इसके स्किल्स बता रहे हैं। आपने भी देखा होगा, एक प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी है, कुछ उदाहरण भी अच्छा दे रहे हैं, जिसमें हार्ट संबंधी बीमारियां हैं, बीपी है, शुगर है, इनके बारे में अच्छा बता रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि अगर काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें, अनुशासित रहें, नियमित रहें, आहार विहार का अच्छा ध्यान रखें, तो अपन तनाव मुक्त रह करके स्वस्थ रह करके अच्छा काम कर सकते हैं, समाज को अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के लिए आगे ऑफिसर्स की कमी है। राजस्थान में अलवर, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर की जेलों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों को तैनात कर रखा है, लेकिन वे कैदियों का इलाज नहीं कर रहे। स्थिति ऐसी है कि चिकित्सक 15 दिन में एक बार अस्पताल और डिस्पेंसरी में जाते हैं, जिससे कैदियों के स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। जेल DG ने गंभीरता से लेते हुए निदेशक को पत्र लिखा, जिसे निदेशक जन स्वास्थ्य ने गंभीर माना है और इन जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखा है। अजमेर की सेंट्रल जेल, जिसमें आए दिन कभी मोबाइल मिलने की घटनाएं सामने आती हैं तो कभी हथियार मिलने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, कभी नशीला पदार्थ तो कभी कैदियों में जेल में मारपीट की घटना, ये अजमेर की सेंट्रल जेल के अंदर आए दिन की बात है। लेकिन सेंट्रल जेल के हालात नहीं सुधरने के चलते गुरुवार को कोटा के रहने वाले एक खतरनाक बदमाश अनवर ने अपने साथी बूंदी की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी। सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में घायल हुए कैदी पन्नालाल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आज प्रातःकाल सेंट्रल जेल में दो बंदी, जो कि सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में कन्विक्टेड थे, इनमें से एक बंदी अनवर नाम का जो आरोपी है, उसने पन्नालाल नाम का एक आरोपी, दोनों ही कोटा संभाग के रहने वाले हैं। जो आरोपी है वो कनवास के रहने वाले हैं और जो मृतक है वो केशवरायपाटन के रहने वाले हैं। जो आरोपी है उसने एक नुकीले पदार्थ से आज मॉर्निंग में 4 o'clock के बाद में मृतक पे गंभीर वार किए और उसमें उसकी डेथ हो गई है। अभी पोस्टमार्टम वगैरह करा करके हम लोग बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है पूरी। राष्ट्रीय राजनीति से होता हुआ उपवास अब छात्र राजनीति तक आ पहुंचा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 5-year लॉ कॉलेज के छात्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले के विरोध में आंदोलनरत रहे। बीसी
बीसीआई ने विधि महाविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगाई है। इस प्रतिबंध को रद्द करने, मान्यता रेगुलर करने और नियमित फैकल्टी लगाए जाने की मांग को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर हैं। इस भूख हड़ताल को समर्थन देने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भी पहुंचा और यहां प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में उपवास किया। पूनिया ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को भूख हड़ताल करने और टेंट लगाने की भी अनुमति नहीं दी। उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बीजेपी सरकार के इशारों पर छात्रों की मांग को दबाने की कोशिश कर रहा है। पहले भी भूख हड़ताल पे बैठे थे, विश्वविद्यालय और पुलिस प्रशासन ने मनमानी करके उनको भूख हड़ताल से उठवाया कॉलेज के आगे से, और अब दोबारा वो उसी मांग को लेकर फाइव ईयर जो कॉलेज है, जो विश्वविद्यालय का एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर 600 स्टूडेंट स्टडी करते हैं, और लो कॉलेज के अंदर उस लो कॉलेज को नियमित करने का जो बंद के कंगार पर है, उसको नियमित करने के लिए बार काउंसिल से, राज्य सरकार से गुहार लगा रहा है आज फाइवर लो कॉलेज का छात्र कि उसे कैसे भी नियमित किया जाए। यूपी के उन्नाव के पवई गांव में दबंगों ने एक युवती के परिवार के साथ मारपीट की और धारदार हथियार से सिर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर युवती ने सदर बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता पर आरोप लगाया कि आरोपियों के साथ मिलकर कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं। मामले में जब पीड़ित परिवार विधायक पंकज गुप्ता के यहां न्याय मांगने पहुंचा तो आरोपियों की साठ गांठ के चलते उसे भगा दिया गया। वहीं आज पीड़ित परिवार अपने हाथों में पैम्पलेट को लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, जो पैम्पलेट के कागजों में साफ साफ विधायक पंकज गुप्ता का नाम लिखा नजर आ रहा है। मेरी बहन जाती रही आबादी चारा करने के लिए, उनकी बहन बटोरती थी तो मेरी बहन जो खरेचा मारा तो वो अपने आई घर में बताई, तो मेरे पापा खेत से आए तो बताने लगे, तो पापा आबादी जाते थे तो बताने लगे, तो उनके प्रिंसिपल पता पकड़ के ना मारने लगे पापा को, तो पापा चिल्लाने तो हम लोग तो पापा भागे, हमको मम्मी के ना पकड़ के ना मारे लगे, और विकास निमित्ता हमको अंदर खींच ले गया ना, मेरे कपड़ा सब फट गया था और कुल्हाड़िया से मार रहा है। कटिहार के मंगल बाजार में चूड़ी पट्टी में आज सुबह लगी आग, भीषण आग में करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो गई, जो कि सुभाष गुप्ता के तीन तल्ले मकान के गोडाउन में लगी थी। वहीं लोगों की माने तो ये आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी। दमकल की 5 गाड़ियां जब तक वहां पहुंची आग पर तब तक काबू पाया गया। कटिहार के जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्रा स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे। मासूम बच्चों के साथ रेप और हत्या की वारदातों ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। बात कठुआ की हो या उन्नाव की हो या सूरत की, सभी मामलों में बच्चियों से हो रहे जुर्म और रेप की वारदात में आज समाज को एक मंच पर आने को मजबूर कर दिया है। बनासकांठा के पालनपुरा में भी गुरुवार को कठुआ गैंगरेप और देश की और मासूम बच्चियों पर हुए जुर्म के खिलाफ रैली निकालकर नारेबाजी की गई, साथ में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। बात यह है कि भारत देश जिसने समग्र विश्व को शांति का, हया का, शर्म का, वफादारी का और नारी सम्मान का जो एक सबक पढ़ाया है, आज उसकी इस पवित्र सरजमीन पर कुछ नराधमों ने और कुछ राक्षस सिफत लोगों ने जो आसिफा, कठुआ, उन्नाव, राजकोट और सूरत में जो हमारी मासूम बच्चियों के साथ जिस तरीके का रेप किया है, जिससे हमारा भारतवासियों का सर जो है शर्म से झुका हुआ है और हमारे भारत की आबरू को उन्होंने नीलाम करना चाहा है, लेकिन हम भारतवासी हैं, हम ये चाहते हैं कि हम भारत की आबरू को नीलाम होने नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि ऐसे नराधमों को और जो लोग उनके सपोर्टर में, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, बल्कि उनको फांसी दी जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।